इनको 20 साल हो गए ऑक्शन में, ऑक्शन का काम करते हुए, तो ये समझ लो कि ये देवता है ऑक्शन के। सर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ, मैं दीपांकर आप सभी देख रहे हैं ग्लोबल व्यापार, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में और कस्टम्स के बारे में और कस्टम ऑक्शन के बारे में। आज मैं आप लोगों को फिर से एक नए कस्टम ऑक्शन में लेके आया हूँ, ये दिल्ली टीकेटी पोर्ट में। और आप लोग मेरे से हर बार ही पूछते हैं कि कहाँ हो रहा है कहाँ हो रहा है, तो मैं वीडियो की शुरुआत में बता देता हूँ, ये दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में एक कंटेनर डिपो है, तुगलकाबाद कंटेनर डिपो, वहाँ पर हो रहा है। मेरे पीछे आप जितने कंटेनर देख रहे हैं ये सारे ऑक्शन वाले कंटेनर हैं। तो वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आप लोगों को सारे आइटम डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या आइटम आया हुआ, किस तरीके से आपको चेक करना है, किस तरीके से ऑप्शन में पार्ट लेना है अगर आप लोगों को फ्यूचर में पार्ट लेना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, फिर आपको कंटेनर की तरफ लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वायर वाला कंटेनर दिखाऊंगा। ये इसमें जो जिम वगैरह में तार यूज़ होती है वायर की, आयरन की, स्टील की, ये वाली वायर है, ये उसका कंटेनर है। देखिए ये लिस्ट इसकी पहले MSTC में निकल जाती है, MSTC में देख लेते हैं। यहाँ कंटेनर नंबर आपको यहाँ दिख जाता है, कंटेनर नंबर आपको यहाँ लिखा हुआ दिख जाता है। और इसके अगेंस्ट में कोई भी कंप्लाइंस होता है आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि किस तरीके से वेबसाइट पर दिखता है। तो कंप्लाइंस जो इसके अगेंस्ट में, ऐसे तो कुछ कंप्लाइंस नहीं है, कोई आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है तो साइड में लिखा होता है वो। तो बिल्डिंग करने से पहले उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गलत बिडिंग कर देते हैं और बाद में वो कंप्लाइंस पूरा नहीं कर पाते तो 6 महीने के लिए आपका जो ID पासवर्ड है वो सस्पेंड हो जाता है। तो इस तरीके से वेबसाइट पे आपका कंटेनर नंबर लिखा होता है, उसके साइड में आइटम लिखा होता है, वेट लिखा होता है, डेट ऑफ अराइवल लिखा होता है और कंप्लाइंस लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए, प्रॉपर लिस्ट बना के लोग लेके आते हैं। देखिएगा यहाँ ज़्यादातर जो लोग आए होंगे उनके हाथ में लिस्ट होगी पूरी की पूरी। ये कंटेनर नंबर देखिए BLZU 2176841, इसके अंदर का मैं आपको दिखाता हूँ क्या मामला है। ब्लैक नहीं है वो लग रहा है। इसके अंदर देखिए लेडीज स्लीपर है, असोर्टेड साइज के होंगे, 20 फीट कंटेनर है। वेट वगैरह आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा आप लोगों को। वेट वगैरह आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे। और ये पेपर रोल है, ये फ्रेश पेपर रोल है, इतने से ये वो तो नहीं है, स्क्रैप तो नहीं, क्योंकि स्क्रैप जो है ना स्क्रैप के लिए अलग से लाइसेंस चाहिए होता है, तो इसके लिए मेरे ख्याल कोई लाइसेंस नहीं है। 48, 48, 10 में एक चैप्टर रेटिंग है जो रिस्ट्रिक्टेड है, उसके अलावा अगर ये है तो निकल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें बोली लगा सकते हैं। ये एक सिलेंडर का कंटेनर आया हुआ है, एम्प्टी सिलेंडर्स हैं ये, वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, देखिए मेड इन चाइना भी लिखा हुआ है ऑक्सीजन सिलेंडर, या किसी और चीज़ में काम आता है, सुनकर किस काम आता है। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर का एक कंटेनर आया हुआ है पूरा। ये एक टायर का कंटेनर है, इसके अंदर पूरा टायर है, ये टायर का कंटेनर आया हुआ है पूरा का पूरा। तो टायर के लिए तो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट चाहिए और DGFT से लाइसेंस भी चाहिए, तो इसके लिए तो बिडिंग करना मेरे को ये लगता है कि ठीक है, क्योंकि ये तो वैसे भी नहीं बिकना, इसको अगर आप खरीदोगे तो DGFT से लाइसेंस देना पड़ेगा आपको। ये वही ओल्ड क्लोथ जो कोई खरीदता नहीं है, ये वो शू का कंटेनर है जो मैंने आप लोगों को पिछली बार भी दिखाया था। देखिए ये हालत इनकी, सॉइल्ड कंडीशन में लिखा हुआ है, सारी डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखती रहेगी जो साइट में दिखती है। ये सॉइल्ड कंडीशन यानी कि वैसे ही खस्ता हालत में है, तो आधे के सोल निकल चुके हैं, देखिए कुछ के सोल निकल चुके हैं, क्योंकि बहुत टाइम से पड़े पड़े ना गर्मी में वैसे ही इनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो उस हिसाब से आप लोगों को बिडिंग करनी है, और अगर आप लोगों को यहाँ पर आना है बिडिंग में पार्ट लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसके लिए मैं नीचे नंबर डालूंगा आपको, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होता रहेगा, आप उस नंबर पर कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको ऑक्शन में पार्ट लेना है, बोली लगानी है। हमारी टीम आपको 1 साल तक असिस्ट करेगी पूरी, अगर आप हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। ये केबल का कंटेनर है जो वो क्या कहते हैं आपके DTH वगैरह में लगता है, ये वाला केबल है। ये आप लोगों को ना ऐसी लिस्ट मिलती है जब आप MSTC में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन करे भी आप निकाल सकते हैं, ये लिस्ट होता है, ये कंटेनर नंबर है, ये आइटम है, ये डेट ऑफ अराइवल CTH वगैरह है, उसके अंदर आइटम क्या है, अगर कोई कंप्लाइंस है, देखिए ये सब्जेक्ट टू BIS रिक्वायरमेंट, आइटम क्या है, LED बल्ब केसिंग है, अगर ये इसके लिए बोली लगाते हैं आप लोग, इसके लिए LED बल्ब वाले कंटेनर के लिए अगर आप लोग बोली लगाते हैं तो आप लोगों के पास BIS सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि LED के लिए ऑब्वियसली BIS लगता है चैप्टर 9405 में।
और अगर आप बोली लगाते हैं और आपके पास BIS नहीं होता तो फिर आपका ID सस्पेंड हो जाता है 6 महीने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्या कंप्लाइंस है और क्या रिक्वायरमेंट है। नीचे बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स भी लिखी होती है तो उसको भी पढ़ लेना एक बार, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सारे कंटेनर है ना जो इस साइड के, ये सारे कंटेनर आप देख रहे हो, ये सारे ऑप्शन वाले, इसके अलावा उधर भी ऑप्शन वाले कंटेनर है। ये आप लोग मेरे पीछे वो वाली जो लाइन है ना, लास्ट वाली लाइन, और ये सारी लाइन जो है, दिखा देंगे, ये सारी लाइन जो देख रहे हैं और वो लास्ट वाली, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन जो है, ये सारे ऑप्शन वाले कंटेनर हैं। मैंने आपको एक लाइन अभी दिखाया, दूसरी लाइन की तरफ अभी चलेंगे। दूसरी लाइन में देखिए, ये पेपर रोल का कंटेनर है, ये वो जो मैंने आपको दिखाया उस साइड में पेपर रोल का कंटेनर। कंटेनर नंबर देखिए, अंदर भी लिखा होता है वो कंटेनर नंबर है, एक बाहर भी लिखा होता है दरवाजे पे। एक ये है, इसके अंदर क्या आइटम है, अच्छा ये एम्प्टी परफ्यूम बॉटल वाली जो है, देखिए ये बॉटल कैप्स हैं, इसके अंदर बॉटल भी होंगी, एम्प्टी परफ्यूम बॉटल्स हैं पूरी की पूरी। और ये देखिए इसके स्प्रे वाले जो होते हैं, स्प्रे सिस्टम नोजल जो होता है वो है। तो पूरा का पूरा कंप्लीट सेट है, अलग अलग चीज़ में हो रखा है। हाँ जी देखिए, ये बॉटल्स हैं, तो ये काम की चीज़ है, इसके लिए आप बोली लगा सकते हैं। इसके लिए कोई कंप्लाइंस भी नहीं है, कुछ नहीं है, कांच की बोतल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो अगर आप परफ्यूम के ट्रेडर वगैरह हैं, परफ्यूम में मैन्युफैक्चरिंग में आपका कुछ है इन्वॉल्वमेंट, तो आप इसको लेके भी आगे बेच सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ लोगों से मिलाता हूँ जिनको, कितने साल हो गए सर आपको? 20 साल। ये देखिए, इसे कहते हैं बॉस लोग बैठे हैं, यहाँ ऑक्शन के बॉस लोग बैठे हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं ऐसे लोग, इनको 20 साल हो गए ऑक्शन में, ऑक्शन का काम करते हुए, तो ये समझ लो कि ये देवता है ऑक्शन के। सर कुछ एक्सपीरियंस, सर कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप? माल देते हैं थोड़ा बहुत बचता है यार अपना, नहीं तो आप किस चीज में डील करते हैं? आप सारा उठाते हैं जिसमें ही फायदा है, थोड़ा थोड़ा जिसमें भी हमारे को कुछ एक्सपर्टाइज होगी आपके, जैसे एल्युमिनियम में हो गया या आपके ग्लास में हो गया? नहीं एक्सपर्टाइज तो नहीं है हमारे, मेन मेटल की लाइन है। अच्छा मेटल का लाइन है, एल्युमिनियम की सिल्ली की मेन लाइन है, एल्युमिनियम की सिल्ली हो गई, कॉपर स्क्रैप हो गया, एल्युमिनियम स्क्रैप हो गया, आयरन स्क्रैप हो गया, मेटल का सारा अधिकतर काम यही करते हैं। मेटल किंग है, कपड़े कपड़े किंग है। अच्छा कपड़े वाले किंग है, ये तो कंज्यूमर ड्यूरेबल। अच्छा ये कंज्यूमर ड्यूरेबल में काम करते हैं, ट्रेडिंग आइटम में, ये ट्रेडिंग आइटम है, प्राइम आइटम। अब मेरे पास बात बहुत सारी, इसमें जो भी देखता है ना, जो भी नया बंदा आता है, कहता है भाई फायदा कितना है। 20 साल के अंदर मुझे, मैंने देख रही है यहाँ पे 300 आदमी आ चुके, 500 आदमी, लेकिन हर ऑप्शन में नए चेहरे आते हैं, लेकिन कुछ ही चुनिंदा आदमी है, 10-12 जने हैं जो रेगुलर यहाँ पे चल रहे हैं। नए चेहरे आपने देखे होंगे ना सर, ये पिछले 3-4 महीने में हुए हैं, सारी हमारी वीडियो देख के आए हैं, ये सब नए नए आते हैं, पहली ऑप्शन में आते हैं, अगले ऑप्शन में दिखाई नहीं देंगे, फिर अगले ऑप्शन में फिर रहे हैं। आप मानोगे नहीं, आज की डेट में MSTC में हर रोज हमारे थ्रू, तो छोड़ी दो आप जो हमारे आप लोगों से हमारा बिजनेस खराब हो गया, बिजनेस खराब हो गया। 100 लोग थे, अब 1000 लोग हो गए, आप इतना उसको सब्सक्राइब कर देते, बिजनेस खराब हो गया, आपका नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान नहीं, मतलब फायदा है, जितने ज्यादा जने यहाँ पे आएंगे उतना ज्यादा बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई MSTC में, इवन MSTC के जो हेड ऑफिस है ना कोलकाता से, नहीं कोलकाता से, इस बार जो इन्होंने डिलीवरी का सिस्टम करा MSTC ने बहुत बढ़िया करा, कंकोट इसमें बहुत हेल्प करा, 15-15 दिन में माल की डिलीवरी मिलती है जुलाई के अंदर, वैसे 3-3 महीने माल नहीं मिलते थे, अब इन्होंने बहुत इंप्रूव कर दिया, पिछले 6 महीने की हमारी सब आप लोगों की मेहनत है। देखो जी ये हिसाब किताब है, अगर आप लोगों को आना है नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, पूरी गाइडेंस मिलेगी, पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन मिलेगा आप लोगों को, 1 साल की पूरी गाइडेंस है, क्योंकि इसमें बहुत सारा रिस्क फैक्टर भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहता है, तो आप लोगों को अगर ऑक्शन में पार्ट लेना है तो नीचे आप फोन करके बात कर सकते हैं, बाकी दूसरे कंटेनर्स में आप लोगों को दिखा। ये वो बाउल वाला कंटेनर है, पिछली बार में दिखाया था, ग्लासवेयर वाला कंटेनर है, पिछली बार शायद अलग था, ये अलग है, एक शायद रह गया, एक या दो कंटेनर देखा था इस बार मैंने लिस्ट, पिछली बार तो काफ़ी सारा था। तो बाउल के लिए एक भाई तो मेरे से UP से आए हुए थे मिलने के लिए पर्सनली,
तो वो अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई इस बार ये ग्लासवेयर के दो कंटेनर हैं, एक आपका ये बॉल का कंटेनर है पूरा, इसका कंटेनर नंबर है आपका 1 इस तरफ लिखा हुआ, बैक साइड में लिखा हुआ, ये बंद है इधर से तो। अरे वैसे दिख जाएगा, ऑनलाइन दिख जाएगा कंटेनर नंबर, यहाँ पता नहीं क्या है। तो ये बॉल वाला है, बॉल वो ही है इंडोनेशिया में, और एक ये किचन वेयर का कंटेनर है। इसके अंदर ये कप वगैरह हैं, सारे ग्लास के हैं, सिरेमिक के हैं और प्लास्टिक के भी हैं, स्टील वाले भी, एलुमिनियम वाले भी हैं, शायद ये एलुमिनियम अंदर से ग्लास है। और ये प्लेट वगैरह है, इसमें प्लेट का सेट है, ग्लास का सेट है, ये किचनवेयर का सेट है सारा। तो पिछली बार क्या है पता बताने के लिए, ये कंटेनर लास्ट टाइम भी था, लास्ट टाइम भी था ये, और इसकी बोली भी अच्छी लगी थी, काफ़ी सारे पिछले बार। क्या हुआ आप लोगों को और दिखाता हूँ मैं, आपने पिछले तीन उससे बंद है, पिछले तीन बार से आपने देखा होगा मेरे वीडियो में ये वाइन का कंटेनर आ रहा है, ये दो, एक ये है, दो उधर है, उधर दिखा दे, वो जो वो देख रहे हैं आप दो, एक वो वाला एक वो वाला, वो दोनों भी वाइन के कंटेनर है। ये पिछले तीन बारी से आ रहे हैं तो तीन बारी में नहीं देखे, देखो ये है कंटेनर, ये 40 फीट का है, कंटेनर है 20 40 40 40 फीट का है। अंकल को कह रहा हूँ, अंकल मैं दो चखना मैं ले आता हूँ, दो बोतल आप निकाल दें, पार्टी करते हैं, धीरे धीरे ऐसे खत्म होगा, जाएगा तो है नहीं, ऐसे बड़े बड़े खराब ही हो रहा है। और बाकी दिखा दो, ये वो CFL वाला है, बड़े CFL वाले में अगर आपको बिडिंग लगानी है तो आपके पास BIS होना चाहिए CFL के लिए, तो BIS है तो बिडिंग लगाना, नहीं तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल। ये रैक्स के लिए वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन चाहिए, चाहिए पेपर रोल में 48-10 में अगर ये फॉल होगा तो आपको नहीं मिलेगा, उसमें रिस्ट्रिक्शन है। ये वो शू इन चाइल्ड कंडीशन, इसमें काफ़ी सारा सही निकल जाएगा अगर, तो अगर आप लोगों को, आप लोग जूते के ट्रेडर वगैरह हो तो आप बोली लगा सकते हो, क्योंकि इसमें अच्छी क्वालिटी के दिख रहे हैं मेरे को, काफ़ी अच्छा है इसमें देखा, तो अच्छी क्वालिटी का है काफ़ी, इसमें काफ़ी सारे शूज़ हैं, आप अंदर से भी देख सकते हो, मेरे अंदर से देखो, ये पूरा का पूरा है। कंटेनर नंबर देखो इसका, यहाँ लिखा है पीछे कंटेनर नंबर, वो लिखा है TCNU 5284712, तो ये कंटेनर नंबर है इसका। इसके अलावा हाँ, ये वो चिमनी वाला कंटेनर है, ये कहाँ का, आईका का है, आईकिया का कॉपी है मेरे को लगता है, आईकिया एक्चुअल में ब्रांड है। तो ये चिमनी का कंटेनर है पूरा, कंटेनर नंबर इसके देखिए अंदर भी लिखा है CSNU 6300 6300068, तो ये कंटेनर नंबर है, ये मैच करना होता है आप लोगों को, इसके अगेंस्ट में भी कोई कंप्लाइंस नहीं है, तो अगर आपको इसमें बोली लगानी है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो इसमें बोली लगा सकते हो और कंटेनर को लेके जा सकते हो। रैक्स का कंटेनर है जो कि कोई नहीं लेता। ये जूते का एक और है, इसकी हालत थोड़ी ख़राब है, देखो ये गल चुके हैं जूते सारे, तो ये वाले जूते सारे गल चुके हैं, तो इसको तो मुझे ये लगता है कि अगर आप लोग ले सकते हैं, कूड़े के रेट में मिलता है तो आप इसको उठा सकते हो। फोम का कंटेनर भी आया हुआ, इसमें तो भयंकर बदबू आ रही है, तो ज़्यादा मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। ये अलग अलग टाइप के फोम है, जरा सामने से दिखा रहे, ये देखिए ये फोम है, ये मेरे ख्याल फ्लोर पे बिछाने वाला फोम है, मेरे को नहीं पता किस काम आता है, तो अगर आप फोम वगैरह में ट्रेड करते हैं तो इसको देख सकते हैं आप लोग। ये आपका LED केसिंग का कंटेनर है, ये आपका वीडियो सही नहीं आती ऑडियो में, देखो सर आप ऑडियो में यही है ना कि यहाँ माइक तो ला नहीं सकते, बाकी सबकी सही आती है, आपकी ऑडियो सही नहीं आती। यार ऑडियो में क्या करूँ, मुझे समझ में, मुझे लगता है मैं जो एडिट करता हूँ ना सारे सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत है, थोड़ा सा उसमें स्पीकर फोन रखे कान में। अरे नहीं मैंने ना सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत है, मुझे लगता है मेरे वहाँ बढ़िया आवाज़ आती है, जब मैं एडिट करके अपलोड करता हूँ आवाज़ खराब हो जाती है। तो ये है सारे, देखिए सबने किसी सवाल किसी ने वीडियो देख रखी है, और मैं सबने देख रखी है। तो ये आपका ये वर्टिकल गार्डन जो कहते हैं ना इसको, वर्टिकल गार्डन आर्टिफिशियल ग्रास है, उस वाले कारपेट है सामने जो,
तो ये वाला कारपेट है, ये देखिए ये जो आर्टिफिशियल ग्रास होता है ये वो चीज़ है। तो ये इसका पूरा कंटेनर है, ये आपका एलईडी केसिंग है, एलईडी केसिंग है। इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए कोई बीआईएस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर इसके अंदर एलईडी मॉड्यूल होता ना तो इसमें बीआईएस चाहिए होता है, बट ये सिर्फ केसिंग केसिंग है तो इसके लिए बीआईएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखिए जो एलईडी बल्ब ऊपर का हिस्सा होता है, ये बढ़िया चीज़ आई हुई है। ये वो जो बच्चों के टॉय वाली गाड़ी होती है, ये उसके पहिए हैं, ये उसका पूरा लैम्बोर्गिनी आया हुआ है। तो अगर आप टॉय वगैरह में डील करते हैं, इसके अंदर मोटर वगैरह भी लगी हुई है सारी, इसका रिमोट है, तो आप अगर इस चीज़ में डील करते हैं, ये चांदनी चौक में खूब बिकती हैं ये सारी चीज़ें। चांदनी चौक से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप में आपका इन चीज़ सब चीज़ों में डील है तो आप इस चीज़ को बोली लगा सकते हैं। इसमें भी कोई कंप्लाइंस नहीं है, किसी तरह के सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कभी भी आप बोली लगाते हैं तो उसके आगे सबसे पहले ये देख लीजिए कि कोई WPC, BIS या कोई और तरह का कंप्लाइंस, कोई DGFT से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर आप बोली लगाएंगे तो फिर बाद में उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा 6 महीने। ये देखिए ये जो है ये कंटेनर रेजिन PVC कुछ था ना वहाँ पे, रेजिन PVC रेजिन, PVC रेजिन का है, पाउडर फॉर्म है ये, ये पाउडर फॉर्म में। ये देखिए ये PVC रेजिन का है, जो PVC के मटेरियल बनते हैं, इसको गला के बनते हैं गैस। और इसके बाद ये वो जो वी गार्ड ग्लास का मैंने पिछली बार भी दिखाया था, स्कोप के ऊपर लगता है, पिछली बार ये पता नहीं क्यों नहीं निकला, अच्छा तो चीज़ है कोई यूज़ कर सकता है इसको, ये स्कोप वगैरह बनाते हैं तो काम आने वाला है। और ये आपका कारपेट वाला कंटेनर है एक और इस साइड में भी। ये आपका मार्बल ब्लॉक है, मार्बल ब्लॉक ज़्यादा निकला नहीं क्योंकि मार्बल ब्लॉक का पता है क्या सीन है, मार्बल ब्लॉक वहाँ नहीं करते ये जो इस साइड का मार्बल ब्लॉक का सारा काम होता है वो किशनगढ़ में होता है। तो ये कंटेनर पहले उठ के किशनगढ़ जाएगा, वहाँ प्रोसेस होगा, उसके बाद आएगा, तो खर्चा बहुत है, प्रॉफिट इसमें नहीं है, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये नहीं बिकाए। मार्बल ब्लॉक के उस साइड में भी बहुत सारे हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, पिछली बार थे ना जो 4-5 मैंने काफ़ी सारे देखे उस साइड मार्बल ब्लॉक पे, तो मेरे ख्याल यही रीज़न रहा होगा कि ये जो है यहाँ से किशनगढ़ जाता है, वहाँ कटता है, प्रोसेस होता है, उसकी अलग फीस लगती है, उसका अलग खर्चा है, तो पता नहीं कितना है, ये बिका नहीं क्या है। ये एक वो जो स्पून वाला था, एक प्लास्टिक स्पून और प्लेट वाला कंटेनर का सेट आया हुआ है, ये पूरा प्लास्टिक स्पून और ये स्पून है और ये प्लास्टिक प्लेट है, ये सारा आया हुआ है। और सब लोग मानोगे नहीं हमारे वीडियोस बनाने के बाद वहाँ पे जो आप लोगों ने इससे पहले मैंने जिनकी बात कराई जो एल्युमिनियम अलॉय के सामने बैठे हुए थे, वो और भी कई लोग, उनके अलावा भी कई लोग, वो लोग आज की डेट में वो लोग परेशान हैं, जो पुराने बंदे ना वो उस डेट में परेशान हैं, क्योंकि पहले की डेट में सिर्फ 10-15-20-25-30 लोग आते थे, आज की डेट में 400-500 लोग एक एक दिन में आते हैं, और पहले की डेट में टोटल 25-30-50 लोग आते थे। तो कंपटीशन किस लेवल में बढ़ गया है, बोली कितनी हाई जाती होगी, पहले जिसकी बोली 8 लाख रुपए में जाती थी, आज की डेट में 40-40 लाख रुपए में वो कंटेनर दूसरे लोग जो नए लोग आए हैं वो बोली लगा के उठाते हैं, क्योंकि उसके बाद भी लोगों को फ़ायदा होता है। तो पहले लोग कितना फ़ायदा करते थे, अगर लोग आज से एक साल पहले, क्योंकि 6 महीने में ये सारा कन्वर्जन हुआ है, 6 महीने में जब से हमने और धीरज जी ने वीडियो बनाना शुरू किया उसके बाद लोगों में अवेयरनेस आई है और लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया है। हमसे तो सिर्फ 10% रजिस्ट्रेशन होता है, हमसे ही रोज के मेरे ख्याल 20-22-25-30 रजिस्ट्रेशन होते हैं। इसके अलावा आप मान लो कि रोज के MSTC में ऑल ओवर इंडिया में 150-200-250-300 रजिस्ट्रेशन रेगुलर है आज की डेट में, और सिर्फ ये यूट्यूब के चक्कर में। और कितनी सारी सर्विसेज में आज की डेट में इंप्रूवमेंट आई, जैसे उन लोगों ने भी बोला पहले 3-3 महीने लग जाते थे डिलीवरी के लिए, आज की डेट में सिर्फ 15 दिन में डिलीवरी हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि यूट्यूब से कितना फ़ायदा हुआ है MSTC को, क्योंकि रेवेन्यू उनकी भी जनरेट हो रही है, कंपटीशन बढ़ा है तो आपका भी फ़ायदा हो रहा है, तो सबका फ़ायदा हो रहा है, कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली सबका फ़ायदा होगा। एक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका, ये स्टॉक लॉट है पेपर का, पेपर रोल है, तो इसके अगेंस्ट में भी कुछ कंप्लाइंस है, जो जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखती रहेंगी, इसकी जो लिस्ट है ना ये मैं स्क्रीन पर डालता रहूँगा तो आपको दिखता रहेगा कि एक्चुअली इस वेबसाइट में क्या लिखा होगा और इसके अगेंस्ट में कोई कंप्लाइंस है तो वो भी दिख जाएगा आपको। कंटेनर नंबर से मैच करना होता है कंप्लाइंस, देखिए कंटेनर नंबर यहाँ अंदर भी लिखा होता है MSCU 9191305। और आपको ऑक्शन में पार्ट लें तो नीचे दिए गए नंबर पर जल्दी से कॉल करो, पता करो कि किस तरीके से आप आने वाले ऑक्शन में पार्ट ले सकते हो। ये एम्प्टी सिलेंडर्स का एक और कंटेनर है, ये पूरा ऊपर एम्प्टी सिलेंडर्स का कंटेनर है, ऑक्सीजन वगैरह और जो दूसरी जो चीज़ें भरी जाती हैं इसमें। ये ग्लास फाइबर है, कॉटन फाइबर का मिक्स है, इससे वो फाइबर ग्लास फाइबर शीट वगैरह बनती है, उसका पूरा कंटेनर है। ये मेटल स्क्रैप है,
स्क्रैप का तो भाई जो लोग स्क्रैप में काम करते हैं वो लोग तो आंख बंद करके एमएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओ और अपना बिडिंग करो, क्योंकि स्क्रैप तो 75% स्क्रैप का माल आता है ये कंटेनर ऑप्शन में। एयरपोर्ट ऑप्शन में आप मैं मान सकता हूँ कि उसमें ट्रेडिंग और इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज़्यादा होता है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा एक दो दिन में एयरपोर्ट का ऑप्शन कैसा होता है। और स्क्रैप का कंटेनर सबसे ज़्यादा होता है कंटेनर ऑप्शन। तो दोस्तों आप लोग हमेशा मेरे से पूछते रहते हो कि जब एक बार ये कंटेनर खरीद लेंगे तो उसको लेके कैसे जाना होता है। देखिए ये जो पीछे वाला कंटेनर है ये पिछले ऑप्शन में आया हुआ था ग्लास वुल, ये बिक गया है, तो इस तरीके से इसको यहाँ से दूसरे ट्रक में लोड करा के अपना ट्रांसपोर्ट लगा के फिर लेके जाना होता है। ये देखिए ये ट्रक लग रही है और आपके सामने वो कंटेनर है ग्लास वुल वाला, लोडिंग चल रही है उसकी। इस तरीके से इसको एक बार आपका डीओ अलाउट हो जाता है, मतलब डिलीवरी ऑर्डर अलाउट हो जाता है सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद, तो इस तरीके से आपको लेके जाना होगा। ये आज का सारा हिसाब किताब था, पीछे वाले सारे कंटेनर जो आप देख रहे हैं इधर वाले और ये पूरी लाइन, ये सारी ऑप्शन की थी मैंने आप लोगों को, ऑलमोस्ट जितनी काम की चीज़ें थी और जितनी चीज़ें थी आपको मैंने दिखा दी है। और आप लोगों को जो पीछे देख रहे हैं लोग बैठे हैं ना वहाँ पर एल्यूमिनियम कंटेनर के सामने, वो बहुत पुराने बंदे, उनसे भी मैंने आपकी बात कराई थी, उस पर ऐसे कब्जा मार के बैठे हैं कि उन लोगों ने खरीद ही लिया उसको, क्योंकि वो सबसे वैल्यूएबल कंटेनर है यहाँ पे जो आज की डेट में सबसे महंगी बोली उसी की लगने वाली है। तो अगर आप लोगों को ऑप्शन में पार्ट लें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करो, पता करो कि किस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, किस तरीके से आपको गाइडेंस मिलेगी। और चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को अब तक लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऑप्शन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और बिजनेस रिलेटेड वीडियो ज़्यादा रहूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।